कुछ उपयोग जो एरे सॉर्टिंग के हैं, तो बहुत इजी वे में एक हम मीन, मॉड एंड मीडियन, माध्य, बहुलक और माध्यिका, इनके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं वो किस तरह से हो। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम में मीन नाम से एक फंक्शन लिया है, मीडियन नाम से एक प्रोटोटाइप फंक्शन लिया है, मॉड नाम से एक प्रोटोटाइप फंक्शन लिया है, इस साथ में दो और भी फंक्शन लिए हैं, बबल सॉर्ट एंड प्रिंट एरे। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, उसके अंदर दो एरे हैं, एक फ्रीक्वेंसी नाम से, दूसरा रिस्पॉन्स नाम से। रिस्पॉन्स नाम से जो वेरिएबल्स हैं उनको 1 से 9 के बीच कोई भी इंटीजर वैल्यू असाइन है। और उसके बाद में मीन नाम के फंक्शन को कॉल किया गया है, जिसमें रिस्पॉन्स नाम की एरे को इनपुट में दिया गया है। मीडियन फंक्शन को कॉल किया गया है, जिसमें भी रिस्पॉन्स नाम की एरे को इनपुट में दिया गया है। और मोड नाम का एक और फंक्शन है, उसको भी कॉल किया गया है, उसमें फ्रीक्वेंसी एंड रिस्पॉन्स दो एरेज को इनपुट के रूप में दिया गया है। यहाँ पर मीन फंक्शन क्या है, तो मीन फंक्शन है उसमें टोटल नाम का एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है, जिसमें जो भी वैल्यूज हैं एरे के एलिमेंट्स हैं उनको सबको ऐड कर दिया गया है और टोटल को असाइन कर दिया गया है। उसके बाद में प्रिंट किया गया है, जो भी साइज है वो टोटल साइज और टोटल अपॉन साइज इनको प्रिंट किया गया है। इनको क्यों प्रिंट किया है, तो अर्थमेटिक एवरेज जो होता है, अंकगणितीय माध्य या औसत, वो होता है मीन, मतलब सभी वैल्यूज का को ऐड करके उसमें टोटल का भाग, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का भाग दे दिया जाए, उसको हम मीन कहते हैं। ये अर्थमेटिक एवरेज होता है, मतलब अंकगणितीय औसत होता है। मीडियन, माध्यिका, माध्यिका क्या होती है, तो इसके लिए यहाँ पर माध्यिका में हमने पहले एक प्रिंट एरे नाम के फंक्शन को कॉल किया, मतलब जो भी एरे है उसको प्रिंट कर रहे हैं। फिर बबल सॉर्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया है, मतलब जो एरे है उसकी सॉर्टिंग की है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर रहे हैं। उसके बाद में एरे को फिर से प्रिंट कर रहे हैं, मतलब एरे जो है उसमें कौन सा वेरिएबल, जो एरे है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बबल सॉर्टिंग से सॉर्टिंग करने के बाद क्या मिलता है उसको प्रिंट किया है। एंड द एंड में साइज बाय 2 साइज और आंसर एरे के साइज बाय 2th एलिमेंट को प्रिंट किया है। इसको क्यों प्रिंट किया है, तो मीडियन है वो सॉर्टेड एरे का मिडिल एलिमेंट होता है, मतलब एरे की जब सॉर्टिंग हम कर देते हैं, एरे को आरोही या अवरोही क्रम में लिख देते हैं, तो उसको जो सबके बीच में जो वैल्यू होती है उसको हम मीडियन कहते हैं। मोड, तो मोड के लिए थोड़ा प्रोग्राम लेंदी है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिस्प्ले में छोटा ही किया गया। यहाँ बता देता हूँ क्या किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक जो फ्रिक्वेंसी नाम का इनपुट में हमने एक लिया था एरे, उस फ्रीक्वेंसी नाम के एरे के सभी एलिमेंट्स को 0 कर देते हैं। उसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी है उसमें इनपुट के रूप में आंसर लिख देते हैं, आंसर भी एक जो दूसरी रिस्पॉन्स एरे थी उसको यहाँ इनपुट के रूप में आंसर नाम से लिया है। और उस एरे का नाम, उस एरे का जो भी नंबर है, जैसे उस एरे में 1 to 9 कोई भी नंबर है, तो यदि उसमें 5 है तो फ्रीक्वेंसी के 5th एलिमेंट में 1 ऐड हो जाएगा, यदि उसमें 9 है तो फ्रीक्वेंसी के 9th एलिमेंट में 1 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, कौन सा वेरिएबल कितनी बार आया है। उसके बाद में एक नेक्स्ट लूप स्टार्ट करते हैं, और उस लूप में हम सारी फ्रीक्वेंसीज को प्रिंट करते हैं कि 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, एंड सो ऑन। उसके अलावा
इनमें हम लार्जेस्ट कौन सा है वो भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो वैल्यूज़ हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, और जो जहाँ बड़ी वैल्यू है वहाँ मोड की वैल्यू क्या है। मोड वैल्यू मतलब यहाँ पर कौन से नंबर पर है वो वैल्यू क्या है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, वो मोड वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। देन हम मोड वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो मोड है वो होता है सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, उसको हम मोड या बहुलक कहते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू इन आवर रॉ डाटा इज़ द मोड। अपना जो डाटा है उसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई है, उसको हम मोड कहते हैं। बबल सॉर्ट ये उसी तरह का प्रोग्राम है बबल सॉर्ट का, जो पहले हम सॉर्टिंग के लिए देख चुके हैं, जिसमें दो लूप हैं और उसमें इनर लूप जो है उसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट है, जिसमें यदि लेफ्ट वाला वेरिएबल राइट वाले से बड़ा है तो उन दोनों वेरिएबल्स को स्वाप कर दिया जाता है। और प्रिंट एरे क्या है, तो प्रिंट एरे में एक इनपुट में एरे ली गई है और उसको सिंपली प्रिंट कर दिया गया है। हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है कि यदि एक रो में 20 एलिमेंट प्रिंट हो गए हैं तो उनके बाद एक न्यू लाइन आ जाए। मॉडिफाई फंक्शन मोड इन केपेबल ऑफ हैंडलिंग ए टाइप फॉर द मोड वैल्यू। अब यहाँ तक हमने मोड या मीडियन देखा, तो मोड में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आई है उसी को हम मोड कहते हैं। लेकिन यदि कोई दो वैल्यूज सबसे ज़्यादा बार आई हैं, जैसे हमने 1 से 9 तक की डिजिट्स ली, लेट्स से 7 है वो सबसे ज़्यादा बार आया था या 8 सबसे ज़्यादा बार आया था, तो क्या किया जाना चाहिए। या इससे पहले पुराने प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं एक बार। तो ये पूरा प्रोग्राम है मीन मीडियन मोड का, इसमें प्रोटोटाइप फंक्शंस दिए गए हैं, मोड बाद में मीन मोड मीडियन मोड बबल सॉर्ट एंड प्रिंट एरे के प्रोटोटाइप फंक्शन है, बाद में फ्रीक्वेंसी नाम की एक इंटीजर एरे है, उसके बाद में रेस्पॉन्स नाम का एक इंटीजर एरे है, 1 to 9 कोई वैल्यू है, ये टोटल 99 वैल्यूज हैं। उसके बाद में मीन फंक्शन को कॉल किया गया, देन मीडियन को, और उसके बाद मोड फंक्शन को। बाद में मीन जो भी फंक्शन है वो है, उसके बाद मीडियन फंक्शन है उसकी बॉडी है, और सबके एंड में मोड फंक्शन की बॉडी है। उसके बाद में जब मोड की वैल्यू प्रिंट हो जाती है, उसके बाद में बबल सॉर्ट का फंक्शन है, और बबल सॉर्ट का फंक्शन पूरा होने के बाद में प्रिंट एरे फंक्शन है। यहाँ पर सबसे पहले हम पूरे प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, यहाँ रन होने में बहुत वैल्यूज आ गई हैं, बहुत लंबा आउटपुट आया है, तो हम इस लंबे आउटपुट को एक साथ देखने की बजाय प्रोग्राम को कई बार में कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो हम पहले एक ही फंक्शन को कॉल करते हैं मीन को, बाकी दोनों को कमेंट कर देते हैं मीडियन मोड को, तो उनका इफेक्ट प्रोग्राम में हमें देखने को नहीं मिलेगा। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और रन, यहाँ हमने रन किया, या दोबारा कर देते हैं ये कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पर ये प्रिंट कर दिया है कि 681 टोटल एडिशन है उन वैल्यूज का, उनमें 99 का भाग देने पर 6.8788 आ रहा है। अब हम फिर से करते हैं, हम मीन को कमेंट कर देते हैं और मीडियन को
मीडियन नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली हो रहा है और रन करते हैं। तो यहाँ पर मीडियन जो फंक्शन है उसमें पहले अनसॉर्टेड एरे को प्रिंट किया जो ओरिजिनल एरे है, उसके बाद में उसको सॉर्टिंग करके प्रिंट किया, देन इसमें देखा गया क्योंकि इसमें टोटल 99 एलिमेंट्स हैं तो 49th एलिमेंट कौन सा है, और यहाँ से 49th एलिमेंट देखा जाए तो वो 7 है। उसके बाद आता है मोड, तो हम मोड नाम के फंक्शन को रखते हैं, बाकी को कमेंट कर देते हैं। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, रन किया, तो रन करने पर सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसकी फ्रीक्वेंसी प्रिंट कर रहा है। 1 एक बार आया, 2 3 टाइम्स आया, 3 4 टाइम्स, साथ में हिस्टोग्राम भी बना दिया है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा 8 की का रिपीटेशन हुआ है, 8 है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, कितनी बार, 27 टाइम्स आया है। तो इसका मतलब इस रन के लिए 8 है वो मॉड है, बहुलक है, और उसकी अक्रेंस 27 टाइम्स है, वो 27 बार आया है।